पंजाब सरकार वालों सरकारी स्कूलों का पद्धर उच्चा चुकने लई निरंतर यतन जारी हैं। पिछले समय तो 14,957 सरकारी स्कूलों विच पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भी शुरू हो गया है। इस दा लाभ सरकारी स्कूलों विच पढ़दे 3,71,000 विद्यार्थी ले रहे हैं। सिक्ख्या दे पद्धर नूं उच्चा चुकण लई वचनबद्ध पंजाब सरकार। एनबी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं राष्ट्रधर्म की। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुंबई के चेंबूर इलाके में दीवार गिरने से मरने वालों की संख्या अब 17 हो गई है, तो वहीं विक्रोली में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। एक इलाके में एक लड़के की भी मौत दीवार गिरने के कारण हो गई। कुल मिलाकर अब तक मुंबई में 25 लोगों की जान जा चुकी है। लगातार बारिश से एक पेड़ दीवार पर गिरा और फिर दीवार गिर गई। इसमें चेंबूर में 17 लोग दब गए हैं और उनकी मौत हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार दीवार के मलबे में कुछ और लोगों के फंसे होने की भी खबर है। गांधी मार्केट इलाके में भी भयंकर जलभराव दिखा, जिससे गाड़ियों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। वहीं मुंबई के सियोन रेलवे स्टेशन का रेलवे ट्रैक पूरी तरह से पानी से भर गया है। सियोन इलाके में मुख्य मार्ग पर कमर तक पानी भर आया है। माना जा रहा है कि मुंबई में आज भी बारिश जारी रहेगी। उधर महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे चेंबूर में घटनास्थल पर पहुंचे। चेंबूर में घटनास्थल का दौरा करने के दौरान महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि जब 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तब तकलीफ होती है। इस प्राकृतिक घटना का सामना करने के लिए हम अपनी क्षमता बढ़ाते रहे हैं। छः बजे के आसपास हमें जानकारी मिली थी। हाँ, हमारी टीम ऑलरेडी यहाँ पर डिप्लॉयड थी, बिकॉज ऑफ वाटर लेवल इंक्रीज हो रखा था। और जैसे हमें सूचना मिली, हमारी टीम तुरंत मौके पर पहुँची है और तुरंत ऑपरेशन में जुट गई है। बात बताइए कि कितने लोगों को जो है आप लोगों ने रेस्क्यू किया है, कितनी डेड बॉडी रिकवर की है? डेड बॉडी का रिकवर की बात है तो अभी तक 7 डिक्लेयर्ड डेड हुई हैं और अभी भी रेस्क्यू काम जारी है। कितने लोगों को रेस्क्यू किया है? अभी टोटल आंकड़ा आपको पूरी ऑपरेशन समाप्त हो जाएंगे उसके बाद ही मिल पाएगा। इसके अलावा और विक्रोली में भी एक लैंडस्लाइड हुआ, उसके बारे में कोई जानकारी? हाँ, विक्रोली में भी हमारी एक टीम वहाँ पर पहुँच गई है और वहाँ पर भी काम चल रहा है। NDRF टीम वहाँ पर जस्ट अभी पहुँची है, उसके पहले ही वहाँ पर 3 डिक्लेयर्ड डेड बॉडी निकाल जा चुकी है और अभी भी काम कुछ भी और 5 से 6 लोग बता रहे हैं दबे होने की संभावना है। काम अभी जारी है। चेंबूर की अगर बात करें तो कितने घंटे और ये ऑपरेशन चल सकते हैं? हम देखेंगे कि जितना कोई किसी ने भी क्लेम किया है, लास्ट तक जब तक कोई क्लेम करता रहेगा और जो यहाँ का लोकल प्रशासन है बताता है कि यहाँ पे बॉडी और मिलने की संभावना है, तब तक हम काम करेंगे। सर, ये सकरी गलियाँ, इसमें NDRF की टीमों को आने में बहुत दिक्कतें होंगी, इस तरीके की बातें बताइए। ये चैलेंजेज है हमारे लिए और जो भी ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन। मुंबई में बारिश ने जोरदार दस्तक दी। रात से ही जारी बारिश की वजह से कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया तो कहीं सड़कें ही जलमग्न हो गई। मुंबई में बारिश की वजह से हुई तबाही पर राजनेताओं ने भी दुख जताया है। सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा। देखा होगा तो वहाँ जाना भी बहुत एक जटिल समस्या है, क्योंकि बहुत ही छोटे रास्ते है, पहाड़ पे ये सारे लोग रह रहे हैं और ये काफी जो बस्ती है वो फॉर्मल हाउसिंग नहीं है। ऊपर जो BRC की वॉल थी वो रात को कोलैप्स होगी। कल की बारिश आप देख रहे थे, मुझे लगता है 200 mm से ज़्यादा बारिश हर जगह हुए, खास करके ये इस इलाके में MVS MVEAST में। यही बात है कि जो अभी हमारे साथ नहीं है, जो कल हमसे निकल गए, उनको हम 5 लाख दे रहे हैं। जो इंजर्ड है उनका जो खर्चा है हम उठाएंगे। हर साल मानसून में आइए हादसे ऐसे देखने को मिलते हैं। आदित्य जी, क्या BMC सरकार को सोचोगे? कोई बोल रहा होगा कि इतनी बारिश में पानी नहीं भरेगा तो वो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। दुनिया भर में आप देख रहे हो, अभी भी आप देख रहे हो, कल पेरिस में हो, जर्मनी में हो, जब 200 mm से ज्यादा बारिश होती है तब तकलीफ होती है। हम सभी लोग कल रात को जागे हुए थे, आप भी शायद रास्ते पे थे। अगर आप कल की बारिश देखते थे और ऐसे इलाकों में, तो यहाँ जटिल समस्या है। मुंबई में जो फॉर्मल हाउसिंग की समस्या है वो हम उसको हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऊपर जाके देखें तो कल की समस्या एक नेचुरल डिजास्टर थी। जो बारिश में बाढ़ आई, ऊपर से पानी और मिट्टी बह के आई, वो दीवार को तोड़ के आई है और वो दीवार पूरी RCC की दीवार थी, यानी उतना जो फोर्स था पानी का
वो कोई भी रोक नहीं सकता। आदित्य बीएमसी आप कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई है जिसके लिए बीएमसी जिम्मेदार है। मुझे लगता है ये आप आरोप नहीं लगा सकते, ये राजनीतिक आरोप है, अभी राजनीति का वक्त नहीं है। यही मैं मानता हूँ कि ये जो प्राकृतिक घटना हुई है उसको फेस करने के लिए हम अपनी क्षमता बढ़ाते रहे। दुनिया भर में अभी अगर आप देखो तो ये बाढ़ की सिचुएशन दो तीन राज्यों में, दो तीन अलग अलग देशों में है। यही मान के आगे चलना चाहिए कि अगर ऐसे हो रहा है तो इसको मिटिगेशन कैसे करना चाहिए। मुंबई में हम प्लानिंग अभी जानकारी से पता चल रहा है कि 12-13 लोगों की यहाँ पे मौत हुई है। बीआरसी की जो वॉल थी, वॉल गिरने की वजह से और शॉक सर्किट होने की वजह से यहाँ पे मृत्यु हो गई। सर एक बात बताइए, ये जो घरें हैं वो अवैध तरीके से निर्माण किए गए हैं क्या? बीएमसी ने इनको बताया था, रोका था क्या? स्थानीय प्रशासन ने इनको इन्फॉर्म किया था कि ऐसी घटना हो सकती है? बीएमसी हर साल जहाँ पे भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है वो जगह आइडेंटिफाई करती है और उनको इन्फॉर्म करते है कि बारिश के दौरान आप वहाँ पे रहना उचित नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से लोग वहाँ पे रहते हैं और जहाँ पे शिफ्टिंग की जरूरत है वहाँ पे शिफ्टिंग भी बीएमसी की तरफ से की जाती है। लेकिन इन लोगों दुर्भाग्य से पुनर्वास के लिए कुछ व्यवस्था की गई थी क्या? इनकी पुनर्वास की व्यवस्था पहले से ही है लेकिन लोग एरिया छोड़ के जाना नहीं चाहते और उसकी वजह से ये सब दुर्घटना होती है। ठीक है, क्या सरकार से आप मुआवजे को लेकर के बात करेंगे? निश्चित रूप से राज्य सरकार और इसके बारे में मुआवजा देगी। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से मेरी बात हुई है, वो जल्दी उसके बारे में मुआवजा घोषित करेंगे। लेकिन भविष्य में ऐसे लोगों की जान जानी नहीं चाहिए, इसके लिए अभी पूरा प्रिकॉशन मेजर्स लिया जाएगा। नगर पालिका की यहाँ से नोटिस इशू नहीं हुआ ऐसे मुझे लग रहा है, लेकिन ऐसा है कि देखो यहाँ ये पहाड़ी भाग है, यहाँ के कुछ लोग घर ऊपर बांधते हैं 20-25-30 हज़ार में बेच देते हैं। जिनको जो गरीब लोग होते हैं वो घर लेते हैं वहाँ रहते हैं और फिर बारिश में ऐसे बड़ी दुर्घटना होती है, उसका नुकसान हमारे लोगों का होता है, जिनकी जान गई उनका हो जाता है। तो मेरी ऐसी कहना है कि जो लोग ऐसे घर बांधते हैं यहाँ के, उनके ऊपर अभी जो घर बांधे, जो घर टूटे, वो जिसने बांधा उनके ऊपर शासन ने कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। उनको 302 लगा के उनको अरेस्ट करना चाहिए। यहाँ के लोकल जो नगर सेवक है वो भले शिवसेना के रहने दो, लेकिन ये जो जितनी भी झोपड़पट्टियाँ खड़ी होती है, जिस ढंग से खड़ी होती है, उस वक्त उसके ऊपर कार्रवाई होनी जरूरी रहती है या जरूरी होती है, होता नहीं, यह हकीकत है। मुंबई में आजकल किस तरह से लोग रह रहे हैं आप लोग बेहतर जानते हो। इस वक्त हम फोकस उस बात को करें, 15-16 लोगों की मृत्यु हुई है यहाँ इधर इस जगह पे चेंबूर में। वहाँ विक्रोली में भी शुरुआत में ऐसी मालूमात थी कि किसी एक की हताहत हुई है, लेकिन ज़्यादा लोग उधर, मैं यहाँ से वहाँ जाने वाला हूँ, तो बारिश के दरमियान ये घटनाएं होती है। दुर्भाग्य से इसको जिस ढंग से देखना चाहिए, चाहे कोई भी चाहे कॉरपोरेशन हो, चाहे सरकार हो, मेरी सरकार हो, ये जिम्मा बनता है सरकार का कि सिर्फ जो मृत्यु हुए उनको हम लोग मदद जाहिर करते हैं, पैसे से किसी की जान नहीं आती है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि ये इस तरह के वारदातें ना हो, ये कोशिश सर राज्य लोगों को अवैध तरीके से बसाते हैं, फिर उनसे वोट सींचते हैं, लेकिन जब कोई आपदा आती है तो कोई सामने नहीं आता। इन लोगों के लिए व्यवस्था भी नहीं की गई थी या इनको कोई वार्निंग भी नहीं दी गई थी? मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल आपकी दुरुस्त है और आपकी बात सही है कि और इसे बिल्कुल ये नहीं किया जा सकता कि हमारी दुर्भाग्य से हमारी राजनीति इतनी निचले स्तर पे आई है कि हम बस उसको वोट बैंक की तरह देखते हैं, ये हकीकत है। पर बिल्कुल राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोक नीति में महानगर पालिका कम क्यों पड़ी? लोगों की जान बचाने के लिए महानगर पालिका राज्य सरकार कम क्यों पड़ी? उसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा कि अपनी बात रखकर लोगों की जान वापस तो नहीं दुर्भाग्य से आ सकती है, और इसके लिए अपने काम में महानगर पालिका कब हुई है उसकी इंक्वायरी ठाकरे जी करे, ये हमारी मांग। यहाँ से शिवसेना से पार्षद हैं, क्या आपको लगता है कि देखिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं करना है। हमारा कहना है प्रशासन अगर काम नहीं करता तो सत्ता में बैठे हुए लोग, 25 साल से शिवसेना में बैठे हुए लोग सत्ता में बैठे है, वो खुद का पल्ला झाड़ कैसे सकते है? उनको इसका पाप भुगतना पड़ेगा, लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। लाकर 100 कैजुअल्टी हुई है, लगभग 30 के करीब मृत्यु, 40 सीरियस इंजर्ड और 30 माइनर इंजरी। मुझे समझ में नहीं आता है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना ने 25 साल में मुंबई में किया क्या? छठी बार मुंबई इस मॉनसून में डूबा है,
इसकी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे जी को लेनी पड़ेगी। क्या सिर्फ बारिश ही जिम्मेदार है या फिर लगातार लोगों को वार्निंग भी दी गई थी, चाहे विक्रोली इलाका हो या भारत नगर इलाका हो चेंबूर, तो वहाँ वार्निंग लोगों को दी गई थी कि पहाड़ों पर रह रहे लोग, ढलान वाले इलाकों में रह रहे लोग सावधान रहे, जगह खाली कर दो, उसके बाद भी लोगों ने खाली नहीं किया। 25 साल से मुंबई महापालिका में ठाकरे सरकार है, तो ये सब वहाँ पर बच्चे कैसे है? उनके जो माफिया कॉन्ट्रैक्टर है वही ये सब काम करते हैं, शिवसेना के माफिया कॉन्ट्रैक्टर। और छठी बार मुंबई डूबी गई थी एक मॉनसून में, क्या किया? वही हिंद माता, वही परड़, वही मीठी नदी। मीठी नदी में अभी तक मुंबई महापालिका ने गए 15 साल में 24 बार साफ सफाई के कॉन्ट्रैक्ट दिए, 2000 करोड़ रुपया खर्चा किया, उसमें से कितने करोड़ शिवसेना के माफिया कॉन्ट्रैक्टर के घर पे गए। ने मुंबई को एक बार फिर से बेहाल कर दिया है। माया नगरी में एक बार फिर से भारी बारिश का कहर देखने को मिला है, जहां दीवार ढहने से संबंधित अलग अलग घटनाओं में अब तक 25 लोगों की मौत तो हो चुकी है। आपको बता दें कि लगातार यहां पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। आपको ये भी हम जानकारी दे दें कि कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से इस तरह के हालात महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बन चुके हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के चेंबूर और विक्रोली में दीवार गिरने से लोगों की मौत पर दुख जताया है और साथ ही दीवार गिरने से जान गंवाने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 दिए जाने का वादा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इधर मुंबई में भारी बारिश ने एक बार फिर से माया नगरी की रफ्तार रोक दी है। मुंबई में कल रात से ही भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से चारों तरफ जनसैलाब सा नजारा देखने को मिल रहा है। सड़कों गलियों से लेकर रेलवे ट्रैक पर जलजमाव है और घुटनों तक पानी भर चुका है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई माया नगरी इस समय पानी पानी हो चुकी है, चारों तरफ सिर्फ जन सैलाब नजर आ रहा है। इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, चलिए सीधा मेहमानों से आपका परिचय हम यहां पर करवा देते हैं। कांग्रेस से रत्नाकर सिंह जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी से गणेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। रत्नाकर जी, मैं शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी, जिस तरह की परिस्थितियां इस समय माया नगरी में बनी हुई है, इनका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब पूरी माया नगरी पानी में डूब गई हो, आखिर ये व्यवस्था दुरुस्त हो क्यों नहीं पाती? देखिए, सबसे पहले रत्नाकर जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर, आवाज क्लियर नहीं मिल रही है। एक बार दोबारा फोन पैच करवा लेते हैं, वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो एक बार फिर से रत्नाकर जी का फोन पैच कर दीजिए ताकि हम उनके बात समझ सकें। गणेश जी का रुख कर लेते हैं। गणेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी हाँ। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, माया नगरी के जो ये हालात इस समय बने हुए हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना? क्योंकि हम तो हमेशा देख रहे हैं, जब भी मॉनसून आता है तो इसी तरह की स्थिति मुंबई में पैदा हो जाती है, जबकि आर्थिक राजधानी है देश की मुंबई। देखिए, ऐसा है कि इस समय मुंबई के हालात अब बेकाबू हो चुके हैं। ऐसा है कि मुंबई शहर की स्थिति यह है कि मुंबई महानगर पालिका का हर साल का बजट अब यह 35 से 38 हजार से 40 हजार करोड़ रुपए तक का हर साल ये बजट होता है। उसके बावजूद हर साल मुंबई शहर में रास्ते के काम होते हैं, SWDM जिसे स्टॉर्म वाटर ड्रेन के हम काम कहते हैं, वो होते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुंबई शहर में बारिश होने के बाद पानी का निकास होने की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था हम खड़ी नहीं कर पाए। अब मैं इसमें आपको इतना ही कह सकता हूँ कि 2005 में मुंबई शहर में उस समय जो मुंबई में बाढ़ आई थी, उसके बाद में चिखली समिति की एक रिपोर्ट बनी थी, मुंबई उच्च न्यायालय की निगरानी में उस रिपोर्ट में काम हुआ। उस समय जो दौरे हुए उसमें मैं भी था, मैंने भी कई जगह पे उस समय दौरे किया, और उस समय एक पॉलिसी तय हुई कि मुंबई शहर के जितने पानी के नेचुरल रिसोर्सेस है उनके ऊपर बांध लगाई जाए, यानी दोनों तरफ से उसको सिक्योरिटी दी जाए और पानी समुन्द्र की तरफ जाए, इसकी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके मुंबई शहर में जो पानी आ रहा है वो पानी ठीक तरीके से हम मुंबई शहर के बाहर नहीं लेकर जा रहे। तो ये व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में कमी कहाँ रह गई? सर, मेरा सवाल लगातार यूं ही जारी रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर में आप सभी का स्वागत है। माया नगरी मुंबई के बारे में हम बात कर रहे हैं। पूरी पानी पानी हो चुकी है इस समय मुंबई, और जल निकासी की सही व्यवस्था ना होने के कारण हम हर साल इस तरह की तस्वीरें मुंबई से देखते हैं और भारी तबाही का मंजर हमें यहां देखने को मिलता है। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश जी आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले रत्नाकर जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। रत्नाकर जी आपको आवाज मिल रही है सर मेरी? जी मिल रही है जी सर, अब आपकी भी आवाज क्लियर आ रही है। मैं आपसे जानना चाह रही थी सर कि आखिर वजह क्या है, हम पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं कर पा रहे, हर साल इसी तरह का मंजर हमें क्यों देखने को मिलता है? देखिए, सबसे पहले मैं उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ जो इस प्राकृतिक आपदा में जो लोग मर गए हैं, और दूसरा मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी सांत्वना व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। देखिए, इस तरह की प्राकृतिक आपदा के पीछे जो है कहीं भी अगर आप देखेंगे तो इस तरह की चीजों के पीछे कहीं प्रशासन जो है लाचार नजर आता है, और मुंबई में इस तरह की पहली घटना नहीं हुई है। ये चाहे देश में या दूसरे प्रदेशों में इस तरह की पहली घटना नहीं हुई है जहां प्राकृतिक आपदा के पीछे मानव जो है विवश नजर आता है। देखिए, आज जो घटना हुई है वो जैसा कि गणेश जी की मैं बात सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि पानी के निकासी की दुरुस्तीकरण नहीं किया जा रहा है। इसमें डूब के मरे नहीं है लोग, मैं पहले गणेश जी को यही क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें डूब के नहीं मरे हैं लोग, इसमें मरे हैं लोग जो सैलाब पहाड़ों पर से बारिश के कारण सैलाब पहाड़ों से नीचे गिरा है। उसमें कंपाउंड जो बीआरसी का कंपाउंड बनाया गया था वो कंपाउंड टूट के घरों पर गिरा है। तो यहाँ पे इस तरह की घटना के लिए मैं यही कहूंगा कि यह एक प्राकृतिक घटना है, और इस घटना के प्रति पूरी तरह से हम लोग संजीदा खड़े हैं। महाविकास आघाड़ी की सरकार खड़ी है, वहां पे मुंबई पुलिस फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें जब से यह घटना हुई है तब से पूरी तरह से मुस्तैदी से लगी हुई है और लोगों को बचाने का निरंतर कार्य करती आ रही है। वहां पे हमारे महाविकास आघाड़ी के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे जी भी वहां पहुंचे, वहां पे मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप जी भी पहुंचे, वहां पे लोगों का हालचाल लिया और परिस्थितियों का कार्यों का जायजा लिया और किस तरह से सुचारू रूप से चीजों को और व्यवस्थित किया जाए ये उन्होंने देखा। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि आज जो है मुख्यमंत्री जी ने सभी मरने वाले परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने का जो ऐलान भी किया है, और जो भी घायल हुए हैं उनके हॉस्पिटल का पूरा खर्चा उठाने का भी जिम्मा लिया गया है। तो इस तरह से महाविकास आघाड़ी की सरकार लोगों के साथ खड़ी है। इस प्राकृतिक आपदा में जो दैविक आपदा है इस पे कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मानव कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए इस तरह की घटनाएं हुई है, और हम जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना राहत पहुंचाने का काम किए हैं, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उन पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने का हमने काम किया है। देखिए, ये आपकी बात ठीक है रत्नाकर जी कि जिन लोगों की डेथ हुई है उसकी वजह कुछ और है, वो पानी में डूबकर नहीं मरे, लेकिन ये भी तो फैक्ट है कि हम हर साल देखते हैं कि पूरी माया नगरी पानी में डूब जाती है। ऐसा क्यों? सड़कों पर जो पानी जमा हो जाता है, रेलवे ट्रैक ऐसे हो जाते हैं कि लग रहा है कि वहां पर ट्रैक था ही नहीं, हमेशा बस पानी वहां पर नदियों की तरह बहता रहता है। और एक चीज मैं यहाँ आपको बोलना चाह रही थी सर, बजट का करीब 3% हिस्सा जो है इसी पर जाता है कि आप स्ट्रोम वाटर निकासी कीजिए। इसका मतलब यह है कि 900 करोड़ रुपए के आसपास बीएमसी इस खर्च के लिए हमेशा रखती है कि बारिश में शहर ना डूबे, उसके बावजूद भी शहर डूब जाता है, आखिर क्यों? देखिए क्या है, चूंकि ये समुद्र के किनारे होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होता है, और लो प्रेशर जनरेट होने की वजह से मूसलाधार बारिश होती है, और यह परिस्थिति तब होती है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह परिस्थिति कब होती है जब समुद्र में हाई टाइड होता है और बारिश भी 200 mm यानी 200 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश होती है, तब यह परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया बनाया गया है और समुद्र के अंदर निकासी का सिस्टम बनाया गया है, लेकिन अगर समुद्र में हाई टाइड जब भी होता है और बारिश भी उसी समय 200 mm से ज्यादा होने लगती है तो इस तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं और कहीं न कहीं मुंबई में पानी जो है दिखने लगता है। लेकिन आपको एक चीज और जानकारी दे दूं कि अगर बारिश 3-4 घंटे अगर रुक जाती है तो ये सारा पानी जो है समुद्र में फिर से वापिस चला जाता है और मुंबई जो है फिर यथा स्थिति हो जाती है। तो इस तरह का सिस्टम है, यहाँ पे भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि ज्यादा बारिश होने की वजह से और हाई टाइड होने की वजह से इस तरह का साल में 1-2 बार कम से कम चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी की सरकार यह इंश्योर करना चाहती है और यह सतर्क रहती है कि किसी भी तरह की लोगों को परेशानी ना हो, आने जाने में परेशानी ना हो, और लोगों का काम सुचारू रूप से चलता रहे,
लेकिन इस तरह की प्राकृतिक घटना जो लगभग 25 लोग जो मर गए हैं अभी, उस तरह की घटना ये दैवीय आपदा की वजह से है, न कि सरकार की लापरवाही की वजह से है या बीएमसी की लापरवाही की वजह से है। आपने देखा होगा कि बीएमसी के एनडीआरएफ की टीम और मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पे तुरंत पहुंची और लोगों को बचाने का बचाने का कार्य किया गया। जी बताइए गणेश खंडकर जी, आवाज मिल रही है सर आपको? नहीं है, और मुझे इस बात की बड़ी हैरानी है जी कि आज यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे बात कर रहे हैं, वे या तो शासन की तरफ से बात कर रहे हैं या महानगर पालिका की तरफ से बात कर रहे हैं, इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा है कि मुंबई महानगर पालिका में कांग्रेस के रवि राजा जी विरोधी गुट के नेता है, और जब पहली बार बारिश हुई थी करीबन 20 दिन पहले, उस समय उन्होंने मुंबई के महापौर और शिवसेना पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा था कि बारिश शुरू होने से पहले 104% मुंबई के नालों की सफाई हुई है, उसमें 500 करोड़ रुपए के ऊपर हर साल खर्चा होता है, वो पैसा कहाँ गया? यह मान हमने नहीं, कांग्रेस के गुट नेता है जो सिंह साहब के पार्टी के नेता है, उन्होंने मांग की थी। मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि आज उन्होंने इस बात को, मुझे दुख होता है, देखिए जो 25 व्यक्ति आज मर चुके हैं, शहीद हुए, उसके प्रति मेरी भी सांत्वना है, लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मुंबई शहर में जहाँ पानी की निकासी होने की आवश्यकता है, उन जगहों पर इस तरह से यदि कोई कंस्ट्रक्शन के काम होते होंगे, पहाड़ों पर लोग घर बनाते देखते हैं, ये मुंबई शहर है, तो यह रोजी रोटी के लिए आते हैं और इनकी रोजी रोटी की वजह से यह मुंबई शहर चलता है, लेकिन जब ये घर बनते हैं तो उनके पीछे की जिम्मेदारी भी तो मुंबई महानगर पालिका ने लेनी चाहिए। अब 25 साल से मुंबई शहर पर जिनका राज चल रहा है, जो मुंबई महानगर पालिका में बजट की रचना करते हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? मुझे लगता है कि ये किस सवाल हो सकता है। देखिए मुंबई शहर में 100 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर तक की बारिश होना ये आम बात है, ये मुंबई में लगातार 20 सालों से कहीं ना कहीं ये बारिश अचानक से होती है, लेकिन उसके बाद जो स्थिति तैयार होती है, अब इनका ये कहना है कि 4 घंटे के भीतर पानी निकल जाता है, देखिए साहब पानी निकल जाता है इस बात को मैं मान लेता हूँ, लेकिन जिन झुग्गी बस्तियों में जिन इमारतों में ये पानी जाता है, उस समय जो नुकसान होता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो टैक्स पेयर मुंबई महानगर पालिका को टैक्स देते हैं, हर साल आप 400 से 500 से 1000 करोड़ तक का नाले सफाई का आपका बजट होता है, उसके बावजूद नालों में कचरा होता है, ये पैसा कहाँ जाता है? ये सवाल मुंबई की जनता आपसे पूछ रही है। और मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि यह जो नाले सफाई पर सवाल उठाया था शिवसेना पर, यह हमने नहीं, ये कांग्रेस पार्टी के विरोधी गुट के नेता है रवि राजा जी, उन्होंने उठाया था। अब इस बात को सिंह साहब कैसे जस्टिफाई करेंगे, थोड़ा बताए तो अच्छा होगा। बताइए रत्नाकर जी। देखिए इस प्राकृतिक आपदा में जहाँ पे महाविकास आघाड़ी की सरकार एक तरफ लोगों की मदद करने का काम कर रही है, वैसे ही गणेश जी भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिकरण करने का काम कर रही है। ये जो सवाल पूछे हैं यह सवाल उत्तराखंड में भी लागू होता है। गणेश जी जरा आप ये बताएंगे कि उत्तराखंड में जो हर साल जो दैविक आपदा आती है, जो बादल फट जाते हैं या जो पहाड़ों पर सैलाब आता है उससे सैकड़ों लोग हर साल मरते हैं, वहां पे तो आपकी सरकार है, तो आपकी वहां पे जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो पहाड़ों को रोक दिया जाए और वो सैलाब को आने से रोक दिया जाए? अरे ये प्राकृतिक आपदा है, इस पे मानव लाचार नजर आते हैं इन सब आपदाओं पे, तो कहीं ना कहीं पहाड़ में अगर बारिश ज्यादा हो जाती है और पहाड़ पे सैलाब खिसक के बाउंड्री वाल को तोड़ते हुए लोगों के घरे में घुस जाती है, तो उसमें मनुष्य क्या कर सकता है? आप ये जरा मुझे बता दीजिए। अगर 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 मुंबई में अगर ये घटना सरकार की अगर विफलता है, तो उत्तराखंड में जो सैलाब आते हैं सैकड़ों लोग मरते हैं, वो किसकी विफलता है? जरा ये भी आप बता दीजिए। आपको राजनीति करना है इस परिस्थिति में जहां लोगों की मदद करने के लिए आपकी पार्टी को खड़े रहना चाहिए, वहां पे आप लोग राजनीति करने का काम करते हैं। देखिए मैं महाविकास आघाड़ी के और कांग्रेस का एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने की वजह से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखिए हम शिवसेना के ऊपर जरूर हम टीका टिप्पणी करते हैं, शिवसेना को हम जरूर अलर्ट करते रहते हैं समय समय पर कि आप नालों की सफाई करिए, आप जो है दुरुस्तीकरण का काम करिए, लेकिन इस तरह की प्राकृतिक आपदा में हमारे शिवसेना के ऊपर आरोप लगाने जाए और लोगों के साथ नहीं खड़े रहे तो यह तो पूर्ण रूप से राजनीतिकरण हुआ जो अभी गणेश जी कर रहे हैं। ये पूरी तरह से राजनीतिकरण कर रहे हैं। आपके कोई व्यक्ति गया क्या वहां पे? अभी जितने लोग मरे हैं कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। आशीष शेलार गए सर, आशीष शेलार गए, भाई जगतार नजर आए और आदित्य ठाकरे कैबिनेट मंत्री नजर आए। वही मैं बता रही हूँ रत्नाकर जी, आशीष शेलार गए हैं। उन्होंने बाइट भी दिया, वो अभी हमने दिखाई भी थी, उन्होंने वहां जाकर जो पीड़ित परिवार है उनसे भी मुलाकात की, हालातों का जायजा लिया। गए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गया नहीं है। ये घटना कल रात की है, ये घटना और सुबह
सुबह ही हमारे मंत्रीगण वहां पे पहुंच गए और उन्होंने हालात का जायजा लिया। एनडीआरएफ की टीम पहुंची, पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड पहुंची। ये लोग अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति करते हैं, जब इनको समय मिलता है उसके हिसाब से सुविधा की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। बताइए गणेश जी, सुविधा की राजनीति हो रही है इस दैवीय आपदा पर भी? देखिए ऐसा है जी, मुझे जिसे मैं हंसी को शब्द नहीं कह सकता, अब मैं मुंबई शहर की बात कर रहा हूँ, ये उत्तराखंड चले गए। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति और मुंबई की भौगोलिक स्थिति की यदि ये आपकी चर्चा में हम बात करेंगे तो जिस बस पर हम आज बैठे हैं वो बेकार। सर गणेश जी, मैं आपका पूरा जवाब दूंगी, सर पूरा जवाब लूंगी गणेश जी, बस एक मिनट का वक्त दे दीजिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है, दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए गणेश जी, अब आप अपनी बात जारी रखिए। सर नहीं, मैं ऐसा है कि जब मैं मुंबई शहर के बारे में बात करने के लिए आज आपसे बहस कर रहा हूँ, उस समय हम उत्तराखंड क्यों चले जा रहे, मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है। हमारे विरोधी पक्ष के नेता है प्रवीण दरेकर जी, वो आज घूम रहे थे, आशीष शेलार जी घूम रहे थे, बाकी हमारे स्थानीय नेता घूम रहे थे मुंबई शहर में। आज मैं जब आपसे बहस कर रहा हूँ, मैं कई झुग्गी बस्ती में बैठा हूँ, यहाँ से नेटवर्क नहीं मिल रहा, इसलिए मैं आपसे वीडियो कॉल के द्वारा मैं बात नहीं कर पा रहा। आज हम यहाँ खाना ही बांट रहे थे। देखिए ऐसा है, हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, मानवता की दृष्टि से राजनीति में होने के बाद जो करना चाहिए कांग्रेस पार्टी भी करती होगी, हम भी कर रहे हैं, मैं इसमें कोई शंका उपस्थित नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आप अपने मूल सवाल से भटक कर बात क्यों कर रहे हैं। मेरा सवाल इतना ही है कि मुंबई शहर की जो आज स्थिति बनी हुई है, क्योंकि झोपड़ियां बनते जा रही है और वो ऐसी जगह पर कभी कभी बन जाती है जहां पर पानी जाने की निकासी की जो जगह होती है वहां बन जाती है। अब मुंबई शहर की जो हमेशा देखिए 2005 में जब मीठी नदी की बात आई, मीठी नदी की उस समय तक कोई बात ही नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बाद में मीठी नदी की बात हुई, पोईसर नदी हो, दहीसर नदी हो, जोगेश्वरी हो, ये सारी नदियों के उस समय बात शुरू हुई। उसके बाद में हाईकोर्ट को इसे इंटरिम करना पड़ा और उसके बाद में मुंबई महानगर पालिका काम पे लगी। देखिए ऐसा है कि आप शिवसेना के साथ में इस समय आप सत्ता में, आप उसका समर्थन करेंगे, मैं आपका स्वागत भी करता हूँ, आपकी मजबूरी है, लेकिन मुंबई शहर के नागरिक टैक्स देने के बावजूद, हजारों लाखों रुपए हर साल टैक्स देने के बावजूद जो तकलीफ झेलते हैं हम उसका समाधान नहीं निकल पा रहे। और इस मामले में शिवसेना पूरी तरह से विफल हुई है, इस बात को कांग्रेस के प्रवक्ता ने मान लेना चाहिए। वे दुर्भाग्य से इस सरकार का समर्थन करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप साथ में बैठे हैं, लेकिन हर साल जो मुश्किलें मुंबई की जनता को सहनी पड़ती है आप उसका समर्थन कैसे कर रहे हैं, मुझे इस बात का दुख हो रहा है। और इसमें राजनीति कहां से आ गई भाई, आप सत्ता में है, सत्ता पक्ष में होने के बावजूद कोई दुर्घटना होती है तो जाना आपका काम है, हम भी जा रहे हैं, उसमें हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, ये मानवता की दृष्टि से करने की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए आप अपनी पीठ थपथपाते मुझे ये दुर्भाग्य लग रहा है। देखिए मानवता का काम है, आप करें हम करें, राजनीति अपनी जगह पर होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक सवाल मेरा भी है रत्नाकर जी, यहाँ पर 26 जुलाई 2005 की बारिश के बाद ड्रेनेज सिस्टम का कायाकल्प करने के लिए ब्रिम स्टोवेड नाम के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। एक तो इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसका काम कब तक पूरा हो पाएगा, और दूसरा इस प्रोजेक्ट के तहत 6 पंपिंग स्टेशन बनाए गए थे लेकिन बारिश के वक्त हमेशा ये भी नाकाम साबित हुए, ऐसा क्यों? 26 जुलाई के समय में भी वही उसी तरह की परिस्थिति कुछ हो गई थी जहाँ पे मुंबई में हाई टाइड हुआ था और बारिश जो है बहुत ही मूसलाधार हुई थी। उस समय भी पानिया जो ड्रेनेज सिस्टम थे वो पूरी तरह से चोक हो गए थे और जो बारिश का पानी था वो निकल के समुद्रों में जा नहीं पाया, तो यहाँ पे बाढ़ की जो है परिस्थिति देखने को मिली। और आज भी इसी तरह की कुछ घटना है कि जो लबालब जो पानी दिखाए जा रहे हैं वो निचले लेवल के जो एरियाज हैं जहाँ पे पानी भरे हुए हैं, और इस तरह का पानी भरता है, लेकिन मैं आपको पहले भी बोला है कि वो पानी अगर बारिश रुक जाती है तो 3-4 घंटे के अंदर वो सारे पानी निकल के फिर से अगर लो टाइड रहता है तो वो एक आराम से निकल के वो समुद्र के अंदर चला ही जाता है। लेकिन ये कुछ कुछ चीजें तो है ना सर, इनको तो आप मानिए कि नालों की सफाई नहीं हो पा रही है, जितना आप दे रहे हैं पूरा बजट उस बजट का इस्तेमाल भी पूरी तरीके से ढंग से नहीं हो पा रहा है, छोटी छोटी लापरवाहियां रह जा रही है। और अभी मीठी नदी का मसला जो उन्होंने उठाया गणेश जी ने, वाकई में ये मीठी नदी तो बहुत ही ज्यादा कड़वी साबित हो रही है। और अभी आप हाल की तस्वीरें देखेंगे सर, इस नदी के जो इतने भी दोनों जो तट हैं आसपास अतिक्रमण बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये अतिक्रमण भी तो दुखदाई हो रहा है, अवैध निर्माण दुखदाई हो रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए ये जो आप कह रहे हैं कि